माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि यहाँ मेहमान आए हुए। रजा तुम मुझे ये बताओ आखिर मसला क्या, क्यों मना कर रहे हो आफरीन से रिश्ते में? अब रजा भाई, क्या आपने भी उन तस्वीरों पे यकीन कर लिया? किसी बकबक ने ना बेचारी आफरीन की झूठी तस्वीरें बनाकर फैला दिया। ना हमारी आफरीन तो बहुत ही मासूम शरीफ सी लड़की है। सीमा चली जाओ यहाँ से। जी जी आंटी, मैं तो जाने के लिए आई हूँ। मैं कल घर जा रही हूँ, मेरी अम्मी ना पिंडी से आ गई हैं, यही बताने के लिए आई थी। सोचा कि अभी खुदाफिस कर दो। खुदाफिस। ये क्या कहकर गई है रजा? बात क्या है आखिर, बताते क्यों नहीं हो? कैसी तस्वीरें? कोई तस्वीरें नहीं अम्मी, कोई तस्वीरें नहीं। बस चले यहां से। जी वो सिद्दीकी साहब से मिलना था। जी अंदर ही हैं वो। जी शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सब, जी जी सब ठीक है जी। जी मैडम भी ठीक हैं जी। जी खुदा हाफिज। अकबरी क्या कह रहे थे शाबिर साहब? वो मैडम का पूछ रहे थे। अकबरी उन्हें मैडम और मैडम की प्रोग्रेस के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। जी साहब। सर शावेज ने लालच दिया था। उन्हीं के ही कहने पर मैंने मिस आफरीन की गलत तस्वीरें उतारी थी। ताकि वो मिस आफरीन को ब्लैकमेल कर सके। I'm sorry. मैं गुनहगार हूं सर, मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है। मैंने किसी और की बेटी की इज्जत को पामाल किया। अल्लाह मियां ने मुझसे मेरी गुड़ी अच्छी की। मेरी बेटी मर गई है सर। अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो अल्लाह भी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे।
मुझे माफ कर दे। तुम्हारे इस बोहतान ने हम सबको बहुत तकलीफ पहुंचाई। बड़ा जुल्म किया है तुमने मेरी बेटी।